हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं कुछ शेयर के लिए आपके पोजीशन कॉल शेयर के लिए आपके पास कुछ वीडियो लेके आया हूँ। इसमें जेट एयरवेज है, सीएट है और एलएनडी फाइनेंस है। मैं इनफैक्ट लार्सन टर्बो पे भी है, आप चाहें तो उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो मैं एक बार इस पे आपके व्यू लेके आया हूँ कि इस पे क्या कर सकते हैं। तो पहला जेट एयरवेज पे चलते हैं। जेट एयरवेज पर आज देखेंगे, आज आप देखेंगे तो ओपन जब यहाँ पे ये हुआ था 236 रुपये 60 पैसा हुआ था, लो गया था। ये 242 की प्रीवियस क्लोजिंग थी, लो गया था। और इसने 200 उसी का दो 236 रुपये 15 पैसा का लो बनाया और 257 पे क्लोजिंग दी। एक्चुअल में आज ये न्यूज आया, टाटा इन एक्टिव टॉक्स टू बाय मेजोरिटी स्टेक इन जेट एयरवेज। जस्ट आज ये न्यूज आया, इसके चलते ये ऊपर गया है। फाइनेंशियली इसके लिए बहुत ही खराब आया फाइनेंश। तो आप देखेंगे इनफैक्ट इसमें डिलीवरी परसेंटेज भी 2% दिखा रहा है, कोई खास डिलीवरी परसेंटेज भी नहीं दिखा रहा है जेट एयरवेज में। बट फिर भी चूंकि जेट एयरवेज को बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे देखिए 3% 4% बाइंग हो रही है। तो एक बार जेट एयरवेज सेंटिमेंट भी बाई है, एक बार न्यूज के चक्कर में ये 270 और 300 क्रॉस कर सकता है, क्योंकि टाटा जी ने इसमें एक्टिव अपनी बाइंग दी है। ऑलरेडी मैं इस पर आपको बताया था, पहले भी वीडियो दिया हुआ, आप जाके देखेंगे मेरे वीडियो में, तो जेट पे ऑलरेडी इस पर वीडियो दिया हुआ है। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो उसमें बाइंग कॉल था और पोजिशन फाइनेंस की एक्चुअल में इसके क्रूड के प्राइस के चलते इसकी फाइनेंशियल जो भी हो रहा है सब गड़बड़ हो रहा है। वॉल्यूम आज अच्छा है, 2 करोड़ 49 लाख 39 हज़ार, तो 2.5 करोड़ 3 करोड़ का वॉल्यूम आज बहुत ही ज़्यादा हुआ। एवरेज 1 करोड़ का वॉल्यूम था, उसको क्रॉस करके आज 2 करोड़ 49 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो ट्रेडिंग पर्पज़ से आप इस पर पोजिशन कॉल बना सकते हैं और 270 और 200 और 300 के लिए पोजिशन बना सकते हैं। ये जेट एयरवेज पे व्यू था अपना। दूसरा है सीएट है, आप सीएट में देखेंगे तो आपका सीएट में भी देखेंगे तो आज ये ओपन हुआ है सीएट, इसमें भी अच्छा खासा बाइंग है क्योंकि क्रूड नीचे की ओर जा रहा है। तो ये और जस्ट इसने क्या किया, 50 डेज मूविंग एवरेज को जो है क्रॉस किया और आज ही क्रॉस किया है 1206। इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज था वो 1206 था, उसको क्रॉस किया है। इसके लिए अच्छा खासा ये अभी अप ट्रेंड में आपको दिख सकता है यहाँ से, और यहाँ से ये आपको कहीं पे भी नहीं तो 1300 1400 तक का भाव दिखा सकता है। ऑलरेडी ये यहाँ पे 1310 और 1350 का भाव दिखा सकता है। ऑलरेडी ये 1260 का हाई बनाया हुआ है, तो आप इसमें एक बाइंग पोजिशन कॉल के लिए बना सकते हैं। और एक मिनट इस पर एक चार्ट को भी जाकर देख लेंगे। आज पहले देख लेते हैं, ये प्रीवियस क्लोज 1194 में था, आज ओपन 1195 पे हुआ और 1200 को क्रॉस करते ही जैसे इसने 1206 को क्रॉस किया सीधा 56 पॉइंट तो वहीं से मिल गया इसको, तो आज अच्छा खासा। और ये आगे भी अभी ये थोड़ा और अब दिखाई दे सकता है और 1320 1325 के भी लेवल को क्रॉस कर सकता है। अगर आप देखें चाहे तो इसके किसी भी चार्ट पे देख लें, चाहे लीडिंग इंडिकेटर हो चाहे लैगिंग इंडिकेटर, सब में बाई सिग्नल दे रहा है। आप कोई भी सिग्नल देखते हैं, लीडिंग और इंडिकेटर हो चाहे, और देखिए यहाँ पे अच्छा खासा इसने सिग्नल देखी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्रॉस कर रहा है इसको, तो 50 डेज के मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है अच्छा खासा। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा क्रॉसिंग 1206 के क्रॉस किया हुआ है, और 50 अगर मैं इसको 50 डेज का मूविंग एवरेज दिखाऊँ आपको, तो इसको 50 डेज का कर देते हैं और अगर इसको मैं 9 डेज का करूँ तो ये देखिए अपवर्ड साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग सिग्नल बना रहा है ये, और 1197 यहाँ पे 1197 बता रहा है, तो 1200 1197 को इसने क्रॉस किया है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको सिग्नल ये जो क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल रहा है। लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर दोनों पे यहाँ पे जो बाई सिग्नल है, आप MACD देख ले चाहे VI देख ले, दोनों में आपको ये देखिए चाहे आप VI को चेक कर लें, ये देखिए कैसे ऊपर की ओर जा रहा है, और चाहे आप इसको इस इंडिकेटर को देखें तो यहाँ से भी अपवर्ड सिग्नल दे रहा है। तब अब जा करके अगर आप इसको देखेंगे, अगर मैं आपको इसको सीएट के चार्ट को दिखाऊँ आपको, तो सीएट के चार्ट ने जो अभी इसने क्रॉस किया है यहाँ पे, तो इसको अभी जो 1256 क्रॉस कर चुका है, तो एक्चुअली ये अच्छे खासे ये जो अभी आपको यहाँ से एक मिनट के 1256 क्रॉस किया हुआ है, तो यहाँ से आपको अभी तेरह सौ 38 का भाव दिखा सकता है अच्छा खासा, और ऊपर गया तो ये 1434 का भी भाव दिखा सकता है। तो आप इसको 1269 पे थोड़ा सा इसको थोड़ा रेसिस्टेंस मिलेगा इसको अपवर्ड साइड में, तो 1269 पे है थोड़ा सा रेसिस्टेंस जहाँ से ये क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1273 है,
73-79 आ रहा है, तो 1270 के आसपास इसका रेसिस्टेंस है। जैसे ये क्रॉस करता है, क्रॉस कर ही जाएगा, तो आपको 1335 का पहला भाव दिखाएगा और उसके बाद 1401 का भाव दिखाई देगा। तो सीएट में आप 1401, 1300 पहला, आप 1335 और 1401 के भाव के लिए आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं सीएट में। और अगर दूसरा चले हम एलएनटी फाइनेंस दिखाएं आपको, तो एलएनटी फाइनेंस में भी एक बाय सिग्नल ही जनरेट हुआ है। आप देखे चाहे इसमें भी देखें तो लीडिंग उतना अच्छे से एलएनटी फाइनेंस में बाय सिग्नल नहीं हुआ है जनरेट जितना कि आपको सीएट में हुआ है। और आप यहाँ पे भी देखें तो थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड में ये डाउनवर्ड होकर अप दिखा रहा था। तो एलएनटी फाइनेंस में थोड़ा रिस्क लेकर के भी लेकिन पोजिशन बना सकते हैं। और इस पे जो आप बना सकते हैं 140 के लिए, टारगेट के लिए आप बना सकते हैं। एलएनटी फाइनेंस के बारे में अगर आज दिखाएं आपको क्या हुआ एलएनटी फाइनेंस में, तो एलएनटी फाइनेंस में आप देखेंगे जो ये आज 135.50 रुपये पे क्लोज दिया, 132 पे ओपन हुआ, 136 का हाई लगाया, और डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 22% की डिलीवरी हो रही है। 68 लाख शेयर की डील हो रही है और 14 लाख की डिलीवरी हो रही है। फेस वैल्यू उसका 10 है। और अगर पोजिशनल कॉल भी इस पे हम बनाते हैं तो कोई ख़राब नहीं है इसमें। पोजिशनल कॉल बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए बनाए, एलएनटी फाइनेंस अच्छा आपको देखे जाएगा। और फर्स्ट टारगेट 140 के लिए आप यहाँ से बना सकते हैं एलएनटी फाइनेंस पे। जो ये देखिए तो 142 रुपये के आसपास, फिर यहाँ से 150 रुपये के आसपास। तो ये जो है यहाँ पे जस्ट ये यहाँ पे देखेंगे इंडिकेटर, तो ये क्रॉस कर रहा है, यहीं से नीचे आया था। तो 138 रुपये जो है, 138 रुपये, 140 रुपये, यहीं पे इसका फर्स्ट रेसिस्टेंस है 140 रुपये के आसपास, 139 रुपये 34 पैसे। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर आपको यहाँ पे देखने को 142 रुपये देखने को मिलेगा। और जो इसका सपोर्ट होगा, यहाँ पे आप सपोर्ट ले लें 131 रुपये का सपोर्ट ले लें, स्टॉप लॉस 131 रुपये का लेकर के, 130 रुपये का लेकर के, इसको 140 के लिए आप बाई कर सकते हैं। तो एलएनटी फाइनेंस में भी बाय है, अदानी पावर में भी बाय है, अदानी पावर में भी बाय कर सकते हैं 70 रुपये के आप, लेकिन इसको पोजिशनल कॉल आपको बनाना पड़ेगा। इसमें भी बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, अच्छा ही सिग्नल है इसमें भी। वोटेक्स में भी देखेंगे तो अच्छा खासा सिग्नल इसको 1 डे पे पैटर्न पे चार्ट पे जनरेट हुआ है, ये बाय सिग्नल ही है। और यहाँ से आप अगर इसको आप 5 से 6 महीना रखते हैं तो ये आपको आराम से यहाँ से 55 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये तक भी दिखा सकता है, 70 भी दिखा सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म का दौड़ता हुआ घोड़ा है, इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। अदानी पावर और अदानी ग्रीन को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। और यहाँ से आपको 100 रुपये का भाव 2 से 3 दिन में यहाँ से मल्टीपल आप पैसे बना सकते हैं। आप इसको छोटा रेट में है, आप अच्छा खासा क्वांटिटी बाय कीजिए, 1000 क्वांटिटी बाय कीजिए, 48,000 लगेगा, और 3 साल के लिए छोड़ दीजिए, आपको यहाँ से ये डबल का भाव दिखाएगा। तो जैसे आपके पास पोजीशन है वैसा आप बना सकते हैं। ये सारा मैं आप पेपर ट्रेडिंग के लिए बताया हूँ। और अगर आपको पोजीशन बनाना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही पोजीशन इसमें बनाएंगे, चाहे वो सीएट हो, चाहे अदानी ग्रीन हो, चाहे जेट एयरवेज हो, चाहे एलएनटी फाइनेंस हो। तो आप इसमें कोई भी पोजीशन बनाने के पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।